so many pieces all back together now. What's your vision? में हम आपसे आप पैरा कमांडो कैसे बने उसके बारे में पूरी जानकारी है। ये वीडियो पूरे आप एंड तक देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप पैरा कमांडो के लिए बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, ये मैं वीडियो मेरे भैया से सजेशन लेके मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि वो एक पैरा कमांडो ऑफिसर है आर्मी में। तो फिर इसकी बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन, जो इसकी एजुकेशन है और क्वालिफिकेशन कितनी लगेगी। अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी 18 प्लस होनी एज लिमिट होनी चाहिए इसके लिए। और आप एक आर्मी सोल्जर होना ज़रूरी है, आप कौन से भी फील्ड में क्यों ना हो पर आप एक आर्मी सोल्जर होना चाहिए। तो आर्मी सोल्जर होने के बाद आपको कॉम्पिटिशन होता है आर्मी में कॉम्पिटिशन होता है, तो आपको उसमें सेलेक्ट होना पड़ता है, आपको उसमें नाम देने पड़ते हैं। नाम में देने के बाद आपके नाम लिए जाते हैं, नाम में आपको पूरा जो कमांडर के जो बैग्स रहते हैं पूरा आपके बैग से रनिंग की जाती है, 15 किलोमीटर आपसे दौड़ाया जाता है, ऐसा करके थोड़ी सी आपसे ट्रेनिंग ली जाती है। पर उसके लिए आपको फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कि आर्मी में से आपको मिलेगा। 5 साल का जॉब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पैरा कमांडर के लिए, जो उसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। उसमें कैसे चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं आपको। आपको जितना भी एकदम पूरा वजन लाद दिया जाता है, और आपको 15 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोलते हैं, ऐसा करके बहुत सारे, वो सब मैं आपको बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम तक वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। दोस्तों, कैसे इसमें कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन में हर बटालियन, ऐसे करके बटालियंस बनाई जाती है। जो बटालियंस है अपनी, जैसे कि हमारी राजपूताना राइफल्स, मराठा बटालियन ऐसा, और उड़ीसा बटालियन, ऐसा बटालियंस जो रहती है उसमें से सेलेक्ट होते हैं, दो तीन सेलेक्ट होते हैं। दो तीन सेलेक्ट होने के बाद वो एक जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट में से जो कंपटीशन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है या स्टैंडर्ड कैंडिडेट्स है, उनको एक चांस दिया जाता है और उनसे प्रैक्टिस करवा के लेने के बाद फिर उनसे एक टास्क दिया जाता है, टास्क उनको कम्प्लीट करना पड़ता है। टास्क कंप्लीट करने के बाद उनको एक लाइफ मिल जाती है, जो कि पैरा कमांडो हम बोलते हैं, जो कि एक बेस्ट लाइफ है आर्मी में। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ पैरा कमांडोस को, आप भी करते होगे। तो दोस्तों, अभी इसका बनने का क्राइटेरिया आप समझ गए होगे कि आपको आर्मी में होना ज़रूरी है इसके लिए। आर्मी में होने के बाद आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कुछ ऐसा नहीं है कि जो इसके ऑनलाइन फॉर्म्स निकलते, कुछ ऐसा ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह कुछ निकलते नहीं है, आपको आर्मी में जाना ही पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए। इसलिए आप आर्मी में अप्लाई कर दे, आर्मी में को फॉर्म भर दे, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों ना करें, पर आपको चांस दिया जाएगा कंपटीशन। आप कंपटीशन खेले, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, आप अगर सब में फिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। देखो दोस्तों, मैंने अभी इधर एक लिंक दिख रही होगी, क्लिक हियर फॉर अपडेट न्यूज़, आप इसके ऊपर क्लिक कर दे। आर्मी की जो नई वैकेंसीज आने वाली है आपको पूरा आपकी YouTube स्क्रीन पे दिख जाएगी। थैंक। और आपको ज्वाइन करना है आर्मी में तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियो अपलोड करना, इसलिए आप भी मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे लगते नहीं, आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और मैं इसी तरह आपके लिए नए नए भर्ती की वीडियो लाता हूं।